जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जिनका SSGD का पेपर हो गया है या जिनका नहीं हुआ है, आप सबने अगर नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ी होगी तो एक बात, जो भी बच्चा जो कट ऑफ के लिए मैसेज कर रहा है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, वो इस चीज पे फोकस नहीं कर रहा। कट ऑफ में भी कुछ पार्ट होते हैं जिनका ज्यादा रोल होता है, उनका नॉर्मलाइजेशन में रोल होता है या नहीं उसके तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन कट ऑफ में उनका पूरा पूरा रोल होता है। वो कौन कौन से हैं, जैसे आपने थंबनेल में देखा है पार्ट ए और पार्ट बी, इसका कट ऑफ में क्या रोल होता है, ये कई बच्चों को नहीं पता कि इनका कट ऑफ में अभी SSGD का जिन जिनका पेपर हो गया है या कुछ जिन बच्चों का होने वाला है, जिनका होने वाला है वो तो विशेष करके ध्यान रखना कि अगर आपके पास में समय बचता है तो पूरा का पूरा समय आप पार्ट ए में और पार्ट बी में देने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए आपके पास में 2 मिनट बचता है, 3 मिनट बचता है तो इनका रिविजन करें, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा इनका। कब, कौन सी मेरिट में, फाइनल मेरिट में ध्यान रखना। फाइनल मेरिट में बहुत सारे बच्चे, यानी लगभग हर एक वैकेंसी में अराउंड 100 से लेकर 500 बच्चे तक पार्ट ए और पार्ट बी की मेरिट को फिल करते हैं। अब इनमें क्या क्या होता है वो मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा अभी आगे। कट ऑफ को लेकर जो चिंतित था बहुत सारे बच्चे की, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, हमको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, फिजिकल कब से शुरू होगा, तो सबसे पहला तो जो आपका क्वेश्चन है कि फिजिकल कब से शुरू होगा, उसका मैं पहले भी आपको आंसर दे चुका हूं और वो सत्य न्यूज है, ध्यान रखना। फिजिकल के बारे में मैंने आपको बताया था कि 14 फरवरी को जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे लाड लो, उसके बाद में लगभग 26 फरवरी के आसपास आपकी आंसर की वाली जो पेपर सेट है वो आ जाएंगे और आंसर की आ जाएगी विद आंसर की, यानी जो पेपर है आपके, तो आप अपने नंबर चेक कर सकते हो कि आपके कितने नंबर आए। उसी के साथ 26 फरवरी या मार्च के पहले वीक में ध्यान रखना, फर्स्ट वीक में या इसी के साथ, इनमें से दोनों में से एक 100% है, उस समय आपका कट ऑफ आ जाएगी पहली फिजिकल के लिए। बहुत सारे बच्चे, एक कुछ बच्चे ये भी बोल रहे सर फिजिकल में कितना गुना पास करेंगे, तो मैं आपको बता दूं लगभग 11 गुना पास करेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर 8 गुना पास करेंगे, मैं बोल रहा हूँ 8 गुना नहीं, 10 गुना से ज्यादा ही पास करेंगे। तो 10 गुना से ज्यादा अगर हम अनुमान भी लगाए तो 11 गुना के लगाएंगे, 10.5 का लगा लो या 11 का, 10 गुना से ज्यादा ही करेंगे, यानी लगभग 5 लाख के आसपास बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। तो इसलिए इस आंकड़े को ध्यान में रखना है। अब एक में जो चीज आपको बोलने जा रहा हूं उसे आप सब लोग रिलेट करेंगे जिन्होंने पेपर दे के आए हैं। जो भी बच्चा पेपर देखे है उसने खुद ने देखा होगा कि 50% से ज्यादा अनुपस्थिति है। अरे बात सही है ना, यानी फॉर्म तो भरे गए हैं लगभग 70 लाख के आसपास, पिछली बार से इस बार फॉर्म भी कम भरे गए, वैसे 53 लाख के आसपास का आंकड़ा रखा कि 53 से 60 लाख के आसपास, लेकिन हम अनुमानित और ज्यादा मान लेते हैं कि 65 लाख या 70 लाख फॉर्म भरे गए, उनमें से भी 50% से ज्यादा लोग अब्सेंट है, यानी जो पेपर में बैठने वालों का जो आंकड़ा है वो बहुत कम है, लगभग 40 लाख के आसपास वो आंकड़ा जाएगा जो बच्चे पेपर में बैठ रहे हैं, या इससे भी कम, इससे ज्यादा नहीं है ध्यान रखना, या इससे भी कम, यानी इसमें जो कटौती होगी 1/8 की होगी। बात समझ आ रही, 1/8 यानी 5 लाख बच्चे फिजिकल के लिए जाएंगे। तो जिनका भी स्कोर थोड़ा बहुत भी ठीक है, कई बार क्या होता है जैसे मैंने आपको हमेशा बताता हूं कौन कौन से राज्य में, कई बार आपके सामने स्पष्ट करता हूं, जैसे जो राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा है, झारखंड है आपका, गोवा, इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, J&K, असम, मिजोरम, नागालैंड, ये राज्य, इनके साथ में जो कुछ राज्य मैं इधर लिख रहा हूं उनको आप छोड़ दीजिए, जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अगर इन 6-7 राज्यों को छोड़ दें, इसमें 1-2 राज्य हम और भी ऐड कर सकते हैं जो अभी मेरे को भी याद नहीं आ रहा नाम, आप देख सकते हो उनमें से 1-2 राज्य, जैसे कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया,
मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, हाँ हिमाचल प्रदेश जैसे, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। देखो इन राज्यों की तो बनती है मेरिट, और ये जो राज्य है ना, इनमें से जो बच्चों ने पेपर दिया है ना, मुझे लगता है उन सब बच्चों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जिस बच्चे ने, कहने का मतलब 20 क्वेश्चन भी सही किया तो उसके भी नंबर आने का, सिलेक्शन होने का पूरा चांस है, जिसने 25 किया उसका भी चांस है, जिसने 30 किया उसका भी चांस है, क्योंकि वे पोस्ट ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है। जो बच्चे वहां पेपर देने के लिए पहुंच गए, अगर उसके तुक्के भी सही चल गए तो भी वो स्कोर कर सकता है, तो उनको तो 100% यहां से, जिन बच्चों ने पेपर दिया है और जिसको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत भी ठीक करके आया हूं, उसको फिजिकल की तैयारी 100% करनी ही चाहिए। अब बात करें इन राज्यों में कि इनमें किन की तैयारी करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, तो मैं ये बोल रहा हूं जिस बच्चे को लगता है, इन जो राज्य हैं इनमें जिन बच्चों को लगता है अगर वो एसटी कैटेगरी से है तो अगर उसके 40 से ऊपर क्वेश्चन सही है तो उसको करना है एससी एसटी दोनों में ही, अगर वो ओबीसी से या जनरल से है तो उसके 50 के आसपास अगर क्वेश्चन सही है तो उसको फिजिकल की तैयारी करनी ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिजिकल के लिए ज्यादा समय भी नहीं मिलेगा, 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट का समय लाड़ लो, ध्यान रखना। इसीलिए हमने हमारे जो बच्चे हैं अकेडमी के, उनका फिजिकल बेस शुरू कर दिया है 1 फरवरी से, जो बच्चा आना चाहता है वो आ भी सकता है अभी अकेडमी में, जिनका पेपर हो गया, जिनका नहीं हुआ वो पेपर देके भी आ सकते हैं 15 फरवरी के बाद में भी, लेकिन ध्यान रखना फिजिकल आपके जो फिजिकल की डेट आएगी वो 15 मार्च के आसपास ही आएगी, 15 मार्च से लेके 30 मार्च के बीच से आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे, इसलिए आपके पास में ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जिन बच्चों का पेपर हो गया उनको तो अभी से शुरू कर देना चाहिए फिजिकल, मेन जो इसमें पार्ट फिजिकल का वो है 5 किलोमीटर रनिंग, ठीक है, उसके बाद में बाकी हाइट वेट वो तो हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान रखना मैंने बता दिया इन जो राज्य, इनमें से जिन्होंने लगता 30% भी क्वेश्चन सही किए हैं तो 30% भी इनके नंबर आने के पूरे चांसेस रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इन राज्यों में जिनके एससी एसटी से अगर उन्होंने 40-40 क्वेश्चन सही किया तो उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, और ओबीसी और जनरल से तो 50 क्वेश्चन प्लस वाले को फिजिकल की तैयारी 100% करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कहां पर, जहां पर हम पहले गए थे, यानी पार्ट ए और पार्ट बी का क्या रोल रहता है। देखो लाडलो, रिसोल्यूशन ऑफ द टाई मैच, जब टाई हो जाता है, नोटिफिकेशन में लिखी हुई बात है, जब टाई हो जाता है यानी दो बच्चों के बराबर समान अंक आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में पार्ट ए के नंबरों के आधार पर एक बच्चे को ज्वाइन, यानी मान के चलिए कि आपके 80 नंबर आए, दूसरे बच्चे के भी 80 आए, लेकिन अगर आपके पार्ट ए में 26 नंबर है और दूसरे के पार्ट ए में 24 नंबर है तो पहले ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी, और ध्यान रखना इस आधार पर हर वैकेंसी में 100 से 500 ज्वाइनिंग होती है, इसलिए ये पार्ट इंपोर्टेंट है। अब मान लीजिए कि इसमें भी इसके 24 थे, इसके भी 24, अगर पार्ट ए का समान हो जाता है तो फिर डिपेंड करता है पार्ट बी पर, अगर मान लीजिए इसके 26 है और इसके पार्ट बी में 25 है तो 26 वाले को पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब मान लीजिए कि पार्ट ए में भी समान अंक है, पार्ट बी में भी समान अंक है, तो फिर होगा डेट ऑफ बर्थ में, यानी जिसकी एज ज्यादा होगी उसको पहले ज्वाइनिंग। अब मान के चलो कि मान लो डेट ऑफ बर्थ भी मैच हो जाए, तो उस कंडीशन में नाम के अल्फाबेट पे, के जिसका नाम का अल्फाबेट पहले आता उसको पहले ज्वाइनिंग, यानी उसका सिलेक्शन होगा, और जिसका नहीं आता उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि जिनका पेपर नहीं हुआ वो भी फोकस कर लीजिए, जिनका हुआ वो भी इस बात का ध्यान रखिए लाडलो, ठीक है। ये पार्ट ए और पार्ट बी के आधार पर एसएसजीडी में हर बार मेरिट बनती है, ध्यान रखना लगभग 100 बच्चों की तो हर बार बनती है, क्योंकि इतना बड़ी वैकेंसी है, बच्चों के नंबर मैच हो ही जाते हैं, तो फिर उनको पार्ट ए या पार्ट बी के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाती है, पार्ट बी वाला फेल कर देते हैं, पार्ट ए वाला पास हो जाता है, कहने मतलब पार्ट ए में जिसके नंबर ज्यादा हो पास, जिसके कम वो फेल।